वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यू जेमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेमके चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने 50 तक कर चुके थे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है? द एग्जाम्पल विच डज नॉट डिस्क्राइब ए केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है? मोमबत्ती का जलना, पानी में बर्फ बनना, लोहे की कील में जंग लगना, खाने का पकना। रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, यानी कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए गाइज कि कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं। आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन कौन कौन से है, रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से है, तो बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन है पानी से बर्फ का बनना। पानी जो है बर्फ में बदल जाता है, आपने देखा होगा। तो भौतिक चेंज हुआ है, ठीक है, इसमें तो ये रासायनिक परिवर्तन थोड़ी ना है। जबकि मोमबत्ती का जलना तो एक रासायनिक है, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक है, और खाने का पकना भी एक रासायनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। चलो आगे की ओर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन का गुण दर्शाता है? लोहा, मिट्टी का तेल, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयोडीन, ये उदरपातन का गुण दर्शाता है। इंग्लिश में भी देख सकते हो, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ए सबिस्टांस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक द्रव्य निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है, इसे जाना जाता है ए लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वाष्पीकरण, उबलना, संघनन, उदरपातन। वाष्पीकरण, उबलना, संघनन और उदरपातन, बताइए गाइस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उबलना, बॉइलिंग। अगला क्वेश्चन, एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तन होने पर ऊष्मा का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है गलनांक, भौतिकी नेताओं, गुप्त संघनन ऊष्मा, निश्चित तापमान। राइट ऑप्शन इज गुप्त संघनन ऊष्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक अवस्था में आवेशित कण उपस्थित रहते हैं? निम्नलिखित में से किस भौतिक अवस्था में आवेशित कण उपस्थित रहते हैं? टॉस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। द फिजिकल स्टेट इन विच चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किस भौतिक अवस्था में आवेशित कण उपस्थित रहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा। समुद्र तल पर सामान्य या मानक ताप होता है 76 मिलीपारा, 760 मिलीपारा, 1.01 × 10⁵ पास्कल, 1.01 × 10⁵ न्यूटन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.01 × 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व असत्य है? द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में, अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अणुओं की गति तेज करने में, आणविक आवर्तन कम करने में। तथ्य आपको असत्य, ठीक है, असत्य आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में। तरंगे कंपन गति द्वारा एक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थित करती है, एक्स को हो सकता है द्रव्यमान, वेग, तरंग दैर्ध्य। यानी कि तरंगे कंपन गति द्वारा एक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, एक्स को हो सकता है, तो राइट ऑप्शन है एनर्जी, ठीक है, हो सकती है। अगला क्वेश्चन,
जब एक वीणा का तार कर्षित होने पर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पादित होती है तो इसे जाना जाता है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, आंशिक अनुदैर्ध्य आंशिक अनुप्रस्थ, कभी कभी अनुदैर्ध्य कभी कभी अनुप्रस्थ। जब एक वीणा का तार को कर्षित होने पर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पादित होती है तो इसे जाना जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ आप जानते हो कि लोंगिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, पेज पे रफ पेज पे आप कर सकते हो। एक सेकंड में 25 तरंगें उत्पादित होती है, उसकी आवर्ती हर्ट्ज इकाई में क्या होगी? 25 हर्ट्ज, 0.25 हर्ट्ज, 0.025 हर्ट्ज, 0.0025 हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट, एक सोनार स्टेशन को 3 सेकंड के पश्चात प्रतिगमन संकेत मिलता है तो वह वस्तु कितनी दूरी पर है? पानी में ध्वनि की चाल 1440 मीटर पर सेकंड है। देखो न्यूमेरिकल सीधा है, कर लिया होगा आपने इसका क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगा के जो भी आंसर आया यहाँ मैच करवाना है और उसके बाद आपको ऑप्शन बताना है कि हाँ इसका ये होगा, ठीक है? सो आपने चूज कर लिया होगा, लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 2160 मीटर, ठीक है 2160 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ की अभिलाक्षणिक ध्वनि को और किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तीव्रता से, पिच से, ध्वनि गुणता से, उपयोग सभी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ध्वनि गुणता से, टिम्बर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से दो आवेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेशित हो जाती है? चालन, घर्षण, प्रेरण, उपयोग में से कोई नहीं। सो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा प्रेरण, ठीक है प्रेरण। अगला सवाल है, दो वस्तुओं एक्स और वाई एक्स आकार में वाई से बड़ा है को आपस में रखने पर क्या होता है? एक्स और वाई में बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, एक्स और वाई में बराबर और समान आवेश उत्पन्न होंगे, एक्स में वाई से अधिक आवेश उत्पन्न होंगे परंतु विपरीत प्रकार का, एक्स में वाई से कम आवेश उत्पन्न होंगे परंतु समान प्रकार का। समझो पहले सवाल को कि दो वस्तु एक्स और वाई, एक्स का आकार में एक्स जो है ना आकार में बड़ा है, ठीक है वाई से बड़ा है, एक्स जो है आकार में वाई से बड़ा है, ठीक है आपस में रगड़ने पर क्या होगा? देखो आकार का डिफरेंस है तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कि एक्स और वाई में बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे, ठीक है। अगला सवाल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में। एक सोने की पत्ती का विद्युत दर्शी कर सकता है, एक गोल्ड लेप इलेक्ट्रोस्कोप का है, आवेश की उपस्थिति का पता लगाना व आवेश के प्रकार का परीक्षण करना, केवल आवेश का माप, केवल आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, केवल आवेश के प्रकार का परीक्षण। राइट ऑप्शन इज आवेश की उपस्थिति का पता लगाना व आवेश के प्रकार का परीक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें समाविष्ट आवेश एक कूलम आवेश के बराबर होता है? 2.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, 2.65 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, 6.2 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे, किस परिपथ विभवांतर को स्थिर करके प्रतिरोध को दोगुना किया जाए तो विद्युत धारा होगी? दोगुना, आधा, एक चौथाई, चार गुना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आधा। संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मात्रा, गुणवत्ता, समाज की आवश्यकता, ऊर्जा का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस, मिट्टी का तेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा जैव गैस।
अगला क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा अध्ययन निम्न में से कौन सा गुण रखता है। एक अच्छा अध्ययन है तो आपको पता ही होगा गाइस, और क्वेश्चन ये कम लग रहे हो तो जेके लोन जॉब चैनल है वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिंक नीचे दिया हुआ है। एक अच्छा अध्ययन निम्न में से कौन सा गुण रखता है, उच्च उष्मीय मान और निम्न ज्वलन ताप, उच्च उष्मीय मान और उच्च ज्वलन ताप, उच्च उष्मीय मान और मध्यम ज्वलन ताप, निम्न उष्मीय मान और मध्यम ज्वलन ताप। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, उच्च उष्मीय मान और मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए इसमें करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल है, सौर उष्मा का क्या मान है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट, 1.4 किलोवाट मीटर, 1.4 किलोवाट पर घंटा, 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट मीटर यूनिवर्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.4 किलोवाट मीटर यूनिवर्स, ठीक है। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलभराव वाली मृदा है, भौतिक के साथ कार्य के रूप से शुष्क, भौतिक के रूप से नम लेकिन कार्य के रूप से शुष्क, भौतिक के रूप से शुष्क, भौतिक के साथ कार्य के रूप से नम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भौतिक के रूप से नम लेकिन कार्य के रूप से शुष्क। अगला क्वेश्चन, हरित खाद का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन मैनर, ज्वार, जौ, लोबिया या फिर स्ट्रॉ, भूसा जिसको आप बोलते हो। हरित खाद का उदाहरण, राइट ऑप्शन लोबिया, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना अगर लोबिया नहीं देखा है तो, और जो किसान होंगे उनको तो पता है किसान के बेटे, ठीक है। डॉक्टर वी कुरान को किसने जनक के रूप में जाना जाता है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, नीली क्रांति। डॉक्टर वी कुरान को, राइट ऑप्शन इज श्वेत क्रांति। और अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर लेना गाइस। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल का उदाहरण है, तेले बीज, गन्ना, मसाले, दालें, बताइए। एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स अमंग द फ्लोविंग, निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल का उदाहरण आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, शुगरकेन, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।